अब लेकिन एक चीज जिसका आपको हमको ध्यान रखना है वो है सेहत का। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां लोगों को परेशान करना शुरू कर चुकी हैं और इस वक्त चिंता की बात बच्चों को लेकर खास तौर पर है। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में आई फ्लू यानी आई कंजंक्टिवाइटिस का प्रकोप फैल रहा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। सभी जिलों में आंखों के संक्रमण से लोग परेशान हैं। बिलासपुर में पिछले 7 दिनों में आई फ्लू या यूं कहें कंजक्टिवाइटिस के 500 से अधिक केस सामने आए हैं। हालांकि बिलासपुर में डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया गया है। दुर्ग जिले की बात करें तो यहां अस्पताल पहुंचने वाला हर चौथा मरीज कंजक्टिवाइटिस की समस्या को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। खासकर बच्चों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। दुर्ग जिले में स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाके में शिविर लगाकर लोगों की आंखें चेक कर रहा है। अधिकतर मरीज आंखों में अधिक लालिमा और दर्द की समस्या से पीड़ित हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि हल्की एंटीबायोटिक से ही ये बीमारी कंट्रोल हो रही है, लेकिन स्कूलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर किसी बच्चे को आंखों का संक्रमण हो तो परिजन उसे स्कूल न भेजें। चलिए समझते हैं इससे बचें कैसे। अगर आंखों में खुजली हल्की लालिमा दिखे तो खुद इलाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, दवा लें। अगर संक्रमण है तो परिवार के बाकी सदस्यों को ना फैले, इसके लिए चश्मे लगा कर रखें, उनसे दूर रहें, दवाओं का अपने मन से इस्तेमाल ना करें। ये कुछ ऐसी बातें जिनसे आप बच सकते हैं। इतना गंभीर नहीं है लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। आज के डिकोड में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में ही आपको बताना चाह रहे थे। फिलहाल इतना समझ लें कि बीमारी होने पर साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है और थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को साफ पानी से धोते रहना है। तो इतनी सावधानियों के साथ में आप जो है अपने आप को और परिवार को इस बात से बचा सकते हैं, इसका आप पूरा ख्याल रखें।